हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फ्रेंड सर्वेश राजपूत एक बार फिर से आ गया आपके साथ कुछ नया शेयर करने के लिए। और आज की इस वीडियो में पहले तो मैं अपने इस एडेनियम प्लांट को, क्योंकि ग्राफ्टेड एडेनियम है और क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, पतला होकर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसको मैं आज यहाँ से कट करने वाला हूँ। और कट करके ये ऊपर वाले भाग को मैं फेंकने के बजाय इसको फिर कहीं पर कटिंग एज अ कटिंग भी ग्रो करने वाला हूँ। और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई कटिंग मिलती है तो आप उसको कैसे कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक साफ ब्लेड लेंगे, मैं सर्जिकल ब्लेड ही मेरे पास पड़ा हुआ था, इसी ब्लेड से एक कट करेंगे इसको, यहाँ से जहाँ से भी आपको कट करना है अपने प्लांट को। एक साफ कट कर लेंगे। और कभी भी एडेनियम को तुरंत काट के नहीं लगाया जाता है, आप इसको कट कर दीजिए। कट करने के बाद इसकी पत्तियाँ भी डिफोलिएट कर दीजिए। पत्तियाँ कट करने के बाद हम इसको किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, आप अपने घर के किसी कोने पे इसको रख दें जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट आती हो, वहाँ पे आप इसे रख दें। और एक बार जब ये वाला पार्ट जो ग्रीन हो रखा है पार्ट है, ये वाला पार्ट जब ग्रीन की जगह ब्राउन हो जाए, ड्राई हो जाए, उसके बाद ही आपकी कटिंग लगा सकते हैं आप। तभी इसको वैसे रख दें, उसकी जब एक बार पार्ट वाला ब्राउन हो जाए फिर इसको लगाते हैं। फ्रेंड्स, दो दिन के बाद आप देख सकते हैं जो कटिंग वाला पोर्शन था जो कि पहले ग्रीन था, वो ड्राई होके ब्राउन हो चुका है। तब हमारी कटिंग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। हम बात कर लेते हैं कि पॉटिंग मिक्स मैं इसके लिए कैसा लेने वाला हूँ। पॉटिंग मिक्स के रूप में मैं एक पार्ट इसमें, मतलब कि 50% करीब इसमें मैं सैंड ले रहा हूँ। सैंड मतलब ये कंस्ट्रक्शन वाली जो सैंड होती है, जो कि घर बनाने में यूज़ होती है, वही सैंड है ये। तो एक पार्ट यानी कि 50% मैं ये ले रहा हूँ। 25% इसमें मैं कोकोपीट ऐड कर रहा हूँ और 25% ही इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रहा हूँ। तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं एक प्लास्टिक का छोटा सा पॉट ले रहा हूँ जिसमें काफ़ी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है, और उसके ड्रेनेज होल पे मैं कुछ पत्थर के टुकड़े रख दे रहा हूँ जिससे हमारा पॉटिंग मिक्स बह के बाहर ना निकलने पाए। और उसके बाद जो हमारा पॉटिंग मिक्स है इसके अंदर हम फिल कर लेंगे। अच्छे से पॉटिंग मिक्स को सेट करने के बाद हम अपनी कटिंग को उसमें रख के फिर से ऊपर से पॉटिंग मिक्स को फिल कर देंगे। इसके बाद हम अपने प्लांट को अच्छे से पानी दे देंगे। फर्स्ट टाइम इतना पानी देंगे कि इसके ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाए। एक बार जब आपके पॉट से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाए तो आप पानी देना बंद कर दें। उसके बाद हम अपने पॉट को किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे मॉर्निंग की अच्छी सनलाइट आती हो, लगभग 10-11 बजे तक की सनलाइट मिल जाए, इसे इवनिंग की सनलाइट मिल जाए, दोपहर की सनलाइट हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे शुरुआत के लगभग 10-15 दिनों तक। जब एक बार आपको ऊपर से हल्की सी ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाए तो आप इसको फुल सनलाइट भी दे सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा टाइम है जिस समय आप अपने एडेनियम की कटिंग लगा सकते हैं। विंटर में आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, विंटर में आपको एडेनियम की कटिंग नहीं लगानी है, आपके प्लांट को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि विंटर के टाइम में आपका प्लांट डोरमेंसी में होता है। अब फरवरी के बाद से आप अपने प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। फरवरी के बाद से लगभग अक्टूबर तक आप अपने प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। बरसात के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये होती है कि पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको अपना पॉट ड्राई रखने में। पानी आपको इसमें मॉइस्चर बना के रखना है, क्योंकि ऐसा पॉटिंग मिक्स है, आप इसमें पानी डालेंगे, पानी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पानी से बिल्कुल भी रुकेगा नहीं। आपने पानी डाला, फट से पूरा का पूरा पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल गया। तो मॉइस्चर बना के रखें, कभी भी आपका पॉटिंग मिक्स पूरी तरीके से ड्राई ना होने पाए, अपर सरफेस आपको हल्का सा ड्राई लगे आप पानी दे दें फट से। मतलब कि अगर आपको लगता है कि आपका डेली पॉटिंग मिक्स गर्मी के महीने में अगर आप लगा रहे हैं, लगभग मई जून के महीने में आप लगा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपका पॉटिंग मिक्स डेली सूख जा रहा है तो आप इसमें डेली पानी डाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऊपर अपर सरफेस आप 2-3 दिन लग रहे हैं सूखने में, जैसे फरवरी के महीने में थोड़ा सा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो उस समय ये होता है कि 1-2 दिन के बाद ही आपका पॉटिंग मिक्स ड्राई होता है, तो आप 1-2 दिन गैप भी कर सकते हैं। तो मतलब कि आपको ये करना है कि अपर सरफेस आपका ड्राई लगे, उसके बाद आप फट से पानी दे दें। आपके पॉट में कभी भी पानी लॉक नहीं होने पाएगा अगर आप ये पॉटिंग मिक्स यूज़ करने वाले हैं। लगभग 1-1.5 महीने का वेट कर लेते हैं, उसके बाद हमारे प्लांट में रूट्स अच्छे से डेवलप हो जाएंगी, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्रेंड्स, लगभग 2 महीने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो आपने पुरानी पत्तियाँ डिफोलिएट कर रखी थी वो हट जाएंगी, वो अपने आप
पीली होकर के सूख के गिर जाएंगी। कभी भी आप उनको खींच के अलग मत करें, क्योंकि अगर आप उनको खींच के अलग करेंगे तो वहां से फिर नई ब्रांच नहीं उगने पाएगी। पुरानी पत्तियां बिल्कुल हट चुकी हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं कि इनके अंदर रूट्स कैसे डेवलप हुई हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से रूट सिस्टम डेवलप हो गया है। पत्तियां आपको लगभग 20 से 25 दिन के बाद नई पत्तियां डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, लेकिन इस तरीके से रूट सिस्टम बनने में लगभग आपको 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा। और चूंकि पॉटिंग मिक्स जो हमने यूज़ किया हुआ है, सैंड, कोकोपीट और कंपोस्ट का जो मिक्सचर है, इतना सॉफ्ट मीडिया होता है ये कि इसके अंदर रूट्स काफ़ी अच्छे से फैलती हैं। तो जब अच्छे से रूट्स फैलती है तो इस तरह से कुछ हमें देखने को मिल जाता है। तो कोई भी आपका फ्रेंड हो जिसके पास कोई ऐसा कलर हो एडेनियम का जो आपके पास नहीं है, तो आप वहां से कटिंग ला करके अपने यहाँ ग्रो कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि उतना कॉर्डेक्स जो इसका होता है, जो एडेनियम की खास पहचान है फूल के अलावा, जो इसका कॉर्डेक्स भी खूबसूरत होता है, तो कॉर्डेक्स उतनी जल्दी मोटा नहीं होने पाए। थोड़ा सा टाइम के बाद आपका कॉर्डेक्स भी धीरे धीरे करके मोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कटिंग के थ्रू ग्रो किए हुए प्लांट में कॉर्डेक्स मोटा नहीं होगा। कॉर्डेक्स मोटा होगा, हाँ, वो गोल सा शेप बल्ब की तरह शेप नहीं बनने पाएगा, लेकिन कॉर्डेक्स टाइम के साथ साथ आपका मोटा हो जाएगा। प्लस रूट्स धीरे धीरे जब आप उनको हर बार रिपोर्ट करने के बाद उनको ऊपर करते जाएंगे, तो रूट सिस्टम भी उनका मोटा सा एक जालनुमा संरचना आपको दिखने लगेगी पुराने पेड़ की तरह। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप भी कोई कटिंग ले आइए, लगाइए, और उसके जो भी एक्सपीरियंस हो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।